देखिए प्लायर, लॉज प्लायर, प्लायर तार काटने के काम आता है। स्क्रू ड्राइवर, हथौड़ी, दो प्रकार की हथौड़ी, छोटी बड़ी। रापी, कैंची, ब्रश, ये गन, कंप्रेसर। मैं लेदर टॉय को कैसे बनाते हैं इसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले तार का ढांचा बनाते हैं। तार जो है डिपेंड करता है कितना मोटा लें। साइज के अनुसार, जैसे छोटा साइज का है तो हम पतला 14 या 16 mm का तार लेते हैं। जैसे जैसे एनिमल की साइज बढ़ती जाती है वैसे वैसे मोटा तार लेते हैं। ये तार का ढांचा बनाते हैं। तार का ढांचा बनाने के बाद इस पे चावल की जो घास है, चावल की घास या पेपर जो है, इसको धागा के सहारे से लपेटते हैं तो ये इस टाइप का बन जाता है। इसके बाद पेपर, जो पिसा हुआ पेपर आता है, ये पिसा हुआ पेपर है, इसकी लुद्दी बनाते हैं। इसमें एक आटा है और अपना फेविकोल वगैरह मिक्स करके इसको लुद्दी बना लेते हैं और उससे एनिमल का शेप देते हैं, आकार बना देते हैं। तो ये देखिए इस तरह का तैयार हो जाता है। ये पेपर से तैयार किया हुआ हॉर्स है। इसके बाद गोट और शिप का लेदर आता है। भेड़ और बकरी का जो लेदर आता है वो इस तरह से लेदर आता है। इस टाइप की शीट आती है लेदर की। ये लेदर जो है ना, इसको पानी में भिगोते हैं, गीला करते हैं। गीला करने के बाद अपना पेस्ट बनाते हैं, उसमें फेविकोल वगैरह मिलाते हैं। लाई जो है, लाई के सहारे से और फेविकोल के सहारे से इस पे एनिमल को लेदर पर पेस्ट करते हैं। इस टाइप से पेस्ट कर देते हैं और पेस्ट करने के बाद ये सूख जाता है। देखिए जैसे इस टाइप का सूख गया है ना, ये सूख गया। इसके बाद जो ज्वाइंट रहते हैं इसको वेलवेट से इसको छीलते हैं और इसकी घिसाई करते हैं। इसको फिर गीला करते हैं, फिर इसको चाकू से, जो मोटा चाकू आता है उससे इस पर कट्स वगैरह डालते हैं और पत्थर से घिसाई करते हैं तो लेदर में थोड़ा शाइनिंग आ जाती है। पत्थर और अपना लकड़ी का जो है उससे घिसाई कर देते हैं तो इसमें शाइनिंग आ जाती है। इसके बाद इसमें जैसे कान वगैरह लगाना, ये डोंची वगैरह से कान वगैरह लगा देते हैं। एलिफेंट में इस टाइप के कान लगा देते हैं। इसके बाद जो है कलर कंप्रेसर रखा हुआ है। ये गन के माध्यम से इससे फैब्रिक कलर करते हैं। ये देखिए ये कंप्रेसर रखा हुआ है। कलर जो है, कलर के बाद ये पेन स्टैंड है, ये कलर कर दिया है। अब कलर के बाद इस पे सजावट हो जाएगी। इस प्रकार